नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधि टेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अनसिक्योर लोन की। दोस्तों देखिए, अनसिक्योर लोन वह होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी गिरवी नहीं रखा जाता है, किसी संपत्ति को गिरवी नहीं रखी जाती है। लेकिन ये जो लोन होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक टाइप के लोन होते हैं। ख़तरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम इसकी सिक्योरिटी कुछ नहीं देते हैं तो हम इसमें इत्मीनान से रहते हैं कि इसको हम पेमेंट नहीं भी करेंगे तो भी हमारा कुछ नहीं होगा। हमारी यही जो भूल होती है ये हमें ले डूबती है। एक बहुत ही ताज़ा मामला हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से इस अनसिक्योर लोन का अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो हमारे भविष्य में हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में कुछ निगेटिव थिंकिंग आ जाएगी कि हम लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, लोगों को वास्तविकता से रूबरू कराना, उनको सही चीज़ बताना। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट करते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके मन में ही ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जिन्होंने अनसिक्योर लोन लिया है उनसे जा करके उनकी कंडीशन पूछिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं और किस प्रकार से यह एक ख़तरनाक लोन होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ कि जिससे कि आप अपने पर्सनल लोन का सेटलमेंट बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पर्सनल लोन हमेशा खतरनाक होते हैं। अब ये खतरनाक क्यों होते हैं, सबसे पहले तो हमें इसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे क्रेडिट के ऊपर ही हमें यह लोन मिल जाता है। लेकिन यह लोन जब हमें मिलता है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम इसका पेमेंट भी कभी कभी करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत तब उत्पन्न होती है जब हम इसका पेमेंट रोक देते हैं, जब हम बैंक को ईएमआई देना बंद कर देते हैं, तो यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसमें किसी प्रकार की जब सिक्योरिटी नहीं है तो हम इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं और इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। बैंक भी आपको कॉल करता है लेकिन आप अपने नंबर को स्विच ऑफ कर देते हैं और आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे जब शिफ्ट हो जाते हैं तो कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं जॉब करने के लिए, हो सकता है कि कुछ लोग किसी दूसरे शहर में जा कर के बस जाते हैं। तो धीरे 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 ये जो उनका लोन है वह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब तक इस लोन का क्लोज़र नहीं होता है, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने पर्सनल लोन को सेटल करके या फिर क्लोज़ करके एनओसी बैंक से नहीं ले लेते हैं तब तक यह चलता रहता है। आपको मैं बता दूं कि हमारे एक व्यूअर ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि उन्होंने 2004 में एक पर्सनल लोन लिया था। अब उस पर्सनल लोन को उन्होंने तो ले लिया और उसको थोड़ा थोड़ा चुकाया भी, बाद में जब वो एनपीए हो गए यानी कि जब उन्होंने अपनी ईएमआई देना बंद कर दिया था तो फिर वह मुंबई चले गए और वहीं जा कर के वो बस गए और तकरीबन 5 साल 6 साल 7 साल वो वहाँ रहे। 8 साल के बाद जब उन्होंने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया तो पता चला कि उनका एक पर्सनल लोन चल रहा है। अब वह पर्सनल लोन के सेटलमेंट के लिए जब वो सोच रहे थे, बैंक से बात की तो बैंक ने उनको बताया कि उनका जो पर्सनल लोन है जो पहले 50,000 का था आज की डेट में 16 लाख हो गए हैं। अब सोचिए कि 16 लाख रुपए वह पर्सनल लोन इनके ऊपर चढ़ चुका है कि वो पर्सनल लोन का सेटलमेंट अब कैसे करें। अब उन्होंने बैंक से बात कही कि सर इतना पैसा हम कैसे दे पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि सर आपने तो क्लोज़ नहीं किया, अब हम इसको पैसा लेकर ही क्लोज़ करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम आपको यही होगी कि जब तक आपका अकाउंट क्लोज नहीं होता है तब तक आपका लोन चलता रहता है। बहुत सारे लोग यही कमेंट करते हैं, निगेटिव के रूप में कमेंट करते हैं कि पर्सनल लोन नहीं भरा तो कुछ नहीं होगा। अरे सर, पर्सनल लोन नहीं भरा तो कुछ नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं है। हो सकता है कि बैंक आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है, आप कहीं और चले गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन वह अकाउंट तो चलता रहता है, उसका क्या? भविष्य में जब आप कभी और लोन लेने के लिए जाते हैं तो उस लोन की राशि बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। अगर बैंक को आपका एड्रेस पता है तो बैंक रिकवरी के लिए आपके सिविल कोर्ट में एक रिकवरी का मुकदमा भी दायर करती है। अगर लोन की राशि ज़्यादा बढ़ गई है तो वो राजस्व विभाग से जब्ती का नोटिस भी चिपका देगी और आपकी जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम से होगी वह उसको जब्त करके नीलाम करके अपना पैसा वसूल लेंगे। तो इसीलिए यह बहुत ही खतरनाक लोन होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे बढ़ता है और एकदम से जब बढ़ जाता है तो फिर इसके सेटलमेंट की बात आती है। अब बात करते हैं कि ऐसे लोन का सेटलमेंट कैसे होता है। देखिए, ऐसे लोन का सेटलमेंट बहुत ही स्पेशल प्रोविजंस में होता है। ऐसे लोन का सेटलमेंट आप बैंक के मैनेजर से नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोन का सेटलमेंट आप लोक अदालत से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, लोक अदालत में ऐसे लोन का सेटलमेंट बहुत ही आसानी से हो जाता है कि ठीक है सर, हमारी गलती की वजह से हमने इसको नहीं पेमेंट किया था, हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे जा करके आप मजिस्ट्रेट के सामने एक प्रार्थना पत्र देंगे और ऐसे लोन का सेटलमेंट आराम से हो जाएगा। इसमें बैंक आपके साथ कोऑपरेट ज़रूर करेगी। तो ये है अनसिक्योर और पर्सनल लोन की सच्चाई। अब इसमें जिसको भी नेगेटिव बातें नज़र आती है वो कमेंट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम डराना नहीं होता है, हमारा काम आपके समस्या से आपको निजात दिलाना होता है। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने भी किसी बैंक से कोई भी लोन लिया है, कोई भी दिक्कत हो रही है, लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी लीगल नोटिस आ रही है, बैंक की तरफ से नोटिस आ रही है, बैंक की कब्जे की नोटिस आ रही है, DM ऑर्डर आ रहा है, कोई भी दिक्कत है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे बात करके आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।